उत्तर प्रदेश में जल्द ही 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां भी तेजी कर दी हैं। लोकसभा चुनाव में मनचाहे परिणाम न आने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी उपचुनाव के लिए जमीन तैयार करने में जुट गए हैं। उन्होंने जिलों में रोजगार मेले के माध्यम से युवाओं को साधने का जरिया बनाया है। देखिए एक रिपोर्ट। विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी का मिशन 10, विपक्ष से निपटने को तैयार योगी। मुख्यमंत्री ने खोला रोजगार का पिटारा, रोजगार मेले से युवाओं को साधने की कवायद। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद विपक्ष को हल्के में न लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपचुनाव की सभी 10 सीटों पे विकास योजनाओं की हरी झंडी दिखाने के साथ युवाओं को जोड़ने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव को लेकर भाजपा के लिए डू एंड डाई की स्थिति बनती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में उम्मीदों से कम सीट आने से सकते में आई योगी की प्रदेश इकाई कहीं न कहीं से रोजगार से जोड़ कर देख रही है, और यही वजह है कि योगी सरकार रोजगार मेलों का आयोजन कर युवाओं तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रही है। साथ ही रोजगार के सवाल पर विपक्ष का मुंह बंद करना चाह रही है। बीजेपी कह रही है कि नियुक्तियों के जरिए रोजगार का सृजन करना राज्य सरकार की बड़ी कामयाबी है, और इसे विपक्ष के द्वारा बनाए नकारात्मक नैरेटिव को समाप्त करने का भी काम किया गया है। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के समय जनता के बीच में फैलाए हुए विपक्ष के नैरेटिव को समाप्त किया है। नकारात्मक आधार पर जनता के बीच में एक नैरेटिव बनाया गया कि भारतीय जनता पार्टी आने के बाद संविधान समाप्त करेगी, आरक्षण समाप्त करेगी, ये महंगाई को बढ़ाने वाली है, रोजगार नहीं दे रही है। लेकिन समय के साथ विपक्ष के फैलाए हुए इस नैरेटिव को जनता ने अस्वीकार कर दिया है। न तो संविधान समाप्त हुआ, न आरक्षण समाप्त हुआ, बल्कि आरक्षण समाप्त करने की बात इस गठबंधन के प्रमुख नेता राहुल गांधी खुद अमेरिका में जाकर कह चुके हैं। महंगाई की स्थिति यह है कि विपक्ष का गठबंधन अपने राज्यों में जहां चुनाव जीता था, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हिमाचल हो, डीजल और पेट्रोल पर दामों को बढ़ाकर अपने राज्यों में महंगाई को बढ़ा रहा है। निश्चित रूप से विपक्ष का ये नैरेटिव भी समाप्त हुआ है, और रोजगार के मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार इस चुनाव के बाद रोजगार मेलों को लगाकर रोजगार का सृजन किया है, नए रोजगार के लिए उन्हें नियुक्तियां दी हैं, ये एक बड़ी कामयाबी के साथ जनता के बीच में एक सकारात्मक नज़रिए के साथ भारतीय जनता पार्टी जा रही है, और इन 10 उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी शत प्रतिशत जीत के साथ अपनी एक नई मिसाल कायम करेगी। वहीं विपक्ष इसे मुद्दा बना रही है। सीएम योगी का रोजगार मेला महज चुनाव को देखते हुए है, ये विपक्ष का आरोप है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि जब डबल इंजन की सरकार ने अपने लंबे कार्यकाल में युवाओं को रोजगार ना दे सकी, तो 10 सीटों पर उपचुनाव में सरकार कैसे रोजगार का सृजन कर सकती है। विपक्ष ने राज्य सरकार पर धोखेबाजी और युवाओं को ठगने का आरोप लगाया है। देखिए, जब डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार इतने लंबे कालखंड में नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाई, तो अब इस समय 10 उपचुनाव को लेकर के कौन सा रोजगार सृजन कर देंगे। ये तो झूठे वादे हैं जिसको जनता समझ चुकी है, और 2024 में ये सारे बुनियादी सवालों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को हरा चुकी है, और सारे वो सवाल जस के तस बने हुए हैं, और उसी को लेकर के जनता वोट करेगी और 10 की 10 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। और यही उपचुनाव नहीं, आने वाली सारी सीटें भाजपा हारेगी। बीजेपी की 10 सीटों में से कम 8 सीटों पर जीत दाखिल करने की कवायद जारी है। सफलता का फल समय के हाथ में है, लेकिन फिलहाल सीएम योगी ने मिशन 10 के लिए अपना विशेष प्लान लागू कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि उपचुनाव में 10 सीटों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी को इस कोशिश की कितनी सफलता मिलती है। कैमरामैन अभिषेक के साथ साहिद सिद्दीकी, रफ्तार मीडिया, लखनऊ। शाहिद सिद्दीकी।